अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट ने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की नींदें उड़ाकर रख दी। बॉलीवुड भी अन्ना के पक्ष में खड़ा हो गया, लेकिन अन्ना के इस मूवमेंट से बिग बी अमिताभ बच्चन की नींदें उड़ गई हैं। क्यों, जानने के लिए देखिए हमारा फर्स्ट सेगमेंट न्यूज ब्रेकर्स। अगर आप एक देश होने के नाते आप चाहते हो कि कुछ साल में अगर आप सुपर पावर हो, तो आपको जो बेसिक फंडामेंट्स है सिटीजंस के, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यू कैन ओनली बी अ टॉप नेशन, द नंबर वन नेशन, इफ यू रिस्पेक्ट दीज वेरी बेसिक फ्रीडम। बॉलीवुड कह रहा है सपोर्ट अन्ना हजारे। मुझे लगता है उनका जो गांधीयन मूवमेंट उन्होंने शुरू किया है वो मतलब सालों तक हमारे लोगों को प्रभावित करेगा। तो मैं समझता हूँ कि अन्ना हजारे जी की वजह से भी ये मूवमेंट चाहे इमीजिएटली कुछ ज़्यादा असर ना दिखाए, लेकिन जैसे जैसे हमारे लोगों को प्रभावित करेगा, शायद कुछ दशकों के बाद इसका असर हम आने वाली पीढ़ियों में देखेंगे और एक नया देश पाएंगे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। पूरा देश कह रहा है अन्ना हजारे स्ट्रगल करो। हर चैनल, हर न्यूज़पेपर पर छाए हुए हैं अन्ना हजारे। यहाँ तक कि पीएम से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है अन्ना ने, और नींद उड़ गई है बिग बी अमिताभ बच्चन की भी। इसीलिए नहीं कि अन्ना ने उनकी फिल्म आरक्षण के ऊपर कोई कमेंट किया, इसीलिए भी नहीं कि अन्ना ने उनसे 7 दिनों के भीतर कोई जवाब मांगा हो, बल्कि इसलिए कि अमिताभ का शो केबीसी अन्ना की आंधी में तिनके की तरह उड़ गया। जहां लोगों को थिएटर में जाकर आरक्षण देखनी थी और फिर एक्सटेंडेड वीकेंड यानी कि 15 अगस्त को बिग बी के शो केबीसी के 5th वर्जन का मजा लेना था, अन्ना ने एक ही झटके में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के लिए परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर दिया। और शायद इसी वजह से जहां पूरा बॉलीवुड अपने ट्विटर अकाउंट पर अपना गुस्सा दिखाकर अन्ना के एंटी करप्शन मूवमेंट को सपोर्ट करने में लगा है, वहीं बिग बी ने अब तक इतना बड़ा बवाल होने पर भी अन्ना के पक्ष में कोई ट्वीट नहीं किया। दरअसल बिग बी ने जिन उम्मीदों के साथ इंडिपेंडेंस डे पर केबीसी का 5th वर्जन जोर शोर से शुरू किया था, अब उनकी उम्मीदों पर अन्ना के एंटी करप्शन ने ठंडा ठंडा पानी फेर दिया। जिस वक्त बिग बी का केबीसी शो ऑन एयर हो रहा था, उस वक्त हर चैनल की हेडलाइन बने हुए थे अन्ना हजारे। अन्ना का एंटी करप्शन मूवमेंट इतना जोरों पर था कि किसी ने शायद ही उनके शो केबीसी को देखा हो। बिग बी ने कंटेस्टेंट्स को लाखों रुपए जिताकर उनका ध्यान खींचने की कोशिश भी की, लेकिन उनके प्राइज मनी पर भारी पड़ गए अन्ना। और शायद बिग बी इसी बात को लेकर अन्ना से नाराज है, क्योंकि जहां सारे बॉलीवुड स्टार अन्ना के खिलाफ गवर्नमेंट के रिएक्शन को पानी पी पी कर कोस रही है, वहीं बिग बी चुप चुप दूर बैठे सारा तमाशा टीवी पर देख रहे हैं। जाहिर है अन्ना की आंधी ने उन्हें भी घेर लिया है। वेल, बिग बी का ये डर कितना सही है ये तो इस बार उनके शो की रेटिंग आने पर साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तो है कि अगर प्रकाश झा आने वाले वक्त में अन्ना के ऊपर कोई सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म बनाएंगे तो अमिताभ शायद ही उसमें काम करें।